नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से, और हम आज बात करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी कुछ बातों की, जिनमें सबसे पहली बात आज हम करेंगे जीतन राम मांझी। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन दिनों जीतन राम मांझी को लेकर महागठबंधन में काफी पशुपेश चल रहा है, या यूं कह रहे कि जीतन राम मांझी अपनी शर्तों पर राजद को झुकाना चाहते हैं और राजद है कि झुकने को तैयार नहीं है। मामला है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्रीय लिहाज से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। इनके अलावा इस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर है। अब इन दलों के बीच तालमेल बैठाने की मांग को लेकर जीतन राम मांझी लगातार इस महागठबंधन के भीतर समन्वय समिति यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, और राजद उनके इस मांग को गंभीरता से नहीं ले रहा है। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के इस प्रस्ताव पर बात करने से ही इनकार कर दिया और स्पष्ट तौर पर कहा कि महागठबंधन के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत करने के लिए उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया है। अब यह बात जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को नागवार गुजर गई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ऐसा कहकर जीतन राम मांझी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी इस राज्य के पूर्व सीएम हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेतृत्व से होनी चाहिए। और यह कहते हुए जीतन राम मांझी की पार्टी ने भभुआ के प्रखंड अध्यक्ष को जगदानंद सिंह से बात करने के लिए अधिकृत कर दिया, मतलब कि उन्होंने एक निशाना आरजेडी पर भी साथ दिया, जो कि उनकी सहयोगी दल है, उनका पार्टनर है। और भभुआ के प्रखंड अध्यक्ष की जब बात आई तो वो कैमूर जिले में आता, और कैमूर जिला राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का अपना गृह प्रदेश भी माना जाता है। अब उसके बाद बात आती है कि जीतन राम मांझी ने कई बार डेडलाइन दी है, राजद को अल्टीमेटम दिया कि अगर आप हमारे प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हैं, यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं करते हैं, तो हम किसी कोई बड़ा निर्णय लेने को बाध्य हो जाएंगे। तारीख पे तारीख होती गई, लेकिन राजद ने जीतन राम मांझी को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। अब जीतन राम मांझी ने 10 जुलाई की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने अपने दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सेकुलर की बैठक 10 जुलाई को बुलाई है, और यह कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी इस दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कि या तो वो महागठबंधन में बने रहेंगे, या वो एनडीए की ओर जाएंगे, या तीसरे मोर्चे के साथ चले जाएंगे। एक कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो सकता है। बिहार के सियासी गलियारों में जीतन राम मांझी की पार्टी के विलय की खबर भी बहुत तेजी से गूंज रही है। अब इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, यह तो भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन 10 जुलाई की तारीख बेहद अहम है, और इस दिन का इंतजार सबको है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, आखिर महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का फैसला क्या होगा, क्या एनडीए मजबूत हो जाएगी, या जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विलय जदयू में करके जदयू को मजबूत करने जा रहे हैं। इसके लिए 10 जुलाई की तारीखों का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए ये दिन अहम सियासी फैसले का होने वाला है।